Welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now, let us we are going to start our chapter 1 of political science. Lesson name, Power Sharing, अर्थात सत्ता की साझेदारी. आज हम बेल्जियम में तनाव का मूल कारण क्या था, इसी टॉपिक को कल मैंने बेल्जियम की जो मॉडल था उसकी जो जातीय संरचना बनावट थी उसके विषय में आपको एक्सप्लेन किया था. आज मैं उससे आगे कि उस जातीय बनावट के कारण, उस जातीय बेल्जियम में जातीय संरचना के कारण किस तरह से दो गुटों में, दो वर्गों में किस तरह से आपस में संघर्ष की भावना पैदा हुई, गृह युद्ध की संभावनाएं बनी, तो उसका मूल कारण क्या था. हालांकि मैंने थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं. देखिए, बेल्जियम में तनाव का मुख्य कारण डच और फ्रांसीसी. बेल्जियम में दो भाषी लोग थे, एक डच बोलने वाले दूसरे फ्रांसीसी. दोनों के बीच असमानताएं थी, कई तरह की असमानताएं थी. कौन कौन सी? एक समाज बहुसंख्यक, दूसरा अल्पसंख्यक. एक समृद्धि धनी और शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली शिक्षित पढ़े लिखा तबका था. दूसरा वर्ग जो निर्धन थे, कमजोर, कम पढ़े लिखे, कम शक्तिशाली और कम प्रभुत्वशाली लोग थे. तो आपस में दोनों के बीच में और ऊपर से वो अल्पसंख्यक भी थे, दोनों के ऊपर जिस तरह से संघर्ष की भावनाएं बनी उससे उन्होंने पहले तो जो डच भाषी लोग थे इनको अपनी अभिन्न लगी, समाज में भेदभाव लगने लगा. तो उन्होंने क्या किया, पहले तो आर्थिक विकास के लिए कि जिस तरह से फ्रांसवासियों का सम्मान होता है, उनकी हर बात को सुना जाता है, उसी तरह से डचों को भी महत्व दिया जाना चाहिए. उन्होंने सबसे पहले आर्थिक विकास के लिए, फिर शिक्षा के लिए आवाज उठाना शुरू किया. क्यों? क्योंकि वो जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो पढ़े लिखे थे, इसलिए संख्या में बेशक कम थे लेकिन समृद्ध थे, धनी थे, इसलिए उनकी बात को सुना जाता था. देश में उनका प्रभुत्व था, शक्ति थी उनकी, इसलिए डच भाषियों ने अपनी आवाज उठाई पहले आर्थिक विकास के लिए कि उनके जैसा ही उनका स्तर हो, उनकी ये गरीबी हटे, उनको शक्तियां मिले, और फिर उन्होंने शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये एक अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम आती है. ठीक है, इसीलिए हम आपको भी कहते हैं कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, बार बार बिना हिसाब पर पैसा लगा रहे हैं हम लोग आपके लिए, कोशिश करते हैं इसलिए कि आप समाज में एक उस सम्मान को पा सके जिसके आप हकदार हैं. ठीक है, आप समस्या क्या हुई कि डचों ने बहुसंख्यक सरकार का गठन किया लेकिन वो राजधानी ब्रुसेल्स में है. देखो, जो तनाव का कारण था अगर इसे टाला नहीं जाता तो वहां गृह युद्ध जैसी संभावना बनती कि एक ही देश के नागरिकों के बीच में गृह युद्ध का मतलब जैसे घर में एक परिवार के बीच में युद्ध होता, भाई भाइयों की नहीं बनती, इसी तरह से एक देश के नागरिक आपस में भाई बनती नहीं रहते हैं. तो जब उनमें लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, संघर्ष होने लगेंगे तो गृह युद्ध अपने ही देश में युद्ध की संभावनाएं बन जाएंगी. ठीक है, और ये बहुत खतरनाक साबित होता है, लोगों को अपने देश छोड़कर जाना पड़ता है, मनमुटाव होता है, संघर्ष होता है, दिन युद्ध होते हैं, उससे राजनीति भी प्रभावित होती है. सरकार का ध्यान बार बार अपने मुद्दों से हटकर उन लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगता है. लेकिन यहाँ पर बेल्जियम की सरकार ने बहुत ही तरीके से, बहुत सुलझे हुए मेथड से उन्होंने इस समस्या का निदान निकाला. क्या किया उन्होंने? बेल्जियम के नेताओं ने तुरंत समझ लिया किसको, क्षेत्रीय विविधता को, कि कहीं पर किस तरह के, भाई राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पर कौन से लोग ज्यादा रहते हैं और उनमें क्या समस्या है, देश के किस हिस्से में किस संख्या के लोग ज्यादा है. तो उन्होंने इस क्षेत्रीय विविधता को तुरंत पहचाना, सांस्कृतिक अंतर को महसूस किया और आर्थिक स्तर को भी स्वीकार किया कि वास्तव में जो इनके पिछड़ेपन का कारण है, जो इनके आगे विकसित नहीं होने का कारण है वो क्या है, कि इनकी क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक अंतर और आर्थिक स्तर. सबसे पहले इसको सोल्व किया जाना चाहिए,
इसलिए उन्होंने, ध्यान दीजिएगा स्लाइड पर, 1970 से लेकर 1993 तक 4 संवैधानिक संशोधन किए। संवैधानिक संशोधन का मतलब है संविधान में संशोधन, यानी कोई चीज अगर हमने बना दी और उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, लोगों को वो स्वीकार्य नहीं है, तो उसको चेंज कर दिया जाए। इसलिए संविधान के उन नियमों में फेरबदल करना, उलट पलट करना, कुछ नई चीजें रखना, पुरानी हटाना, ये संवैधानिक संशोधन कहलाता है। इस तरह से इसको 4 बार संशोधन किया गया, एक बार में नहीं हुआ। देखो संविधान में संशोधन बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, सभी मंत्रियों को फिर जिस जो कानून बनता है उसमें बहुमत होना चाहिए, तो ये छोटी प्रोसेस नहीं होती, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद किस कोई एक संशोधन होता है, और फिर उसके बाद भी वो जनता उससे संतुष्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। आप देखिए बेल्जियम के नेताओं ने कितना बड़ा ये काम किया कि उन्होंने 1970 से लेकर 93 तक 1970 से लेकर 1993 तक 4 संवैधानिक संशोधन किए। इसमें कौन कौन से संशोधन थे, देखिए डच एवं फ्रेंच भाषा के बीच वो जितने भी शक्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया गया। कैसे, देखो मंत्रियों की समान संख्या होगी दोनों दलों की, जब भी संसद में कोई कानून बनेगा तो उतने ही मंत्री डच भाषी होंगे, उतने ही मंत्री फ्रेंच भाषी होंगे, दोनों की मंत्रियों की समान संख्या होगी, और कोई कानून तब ही बनेगा जब बहुमत लेकर वो आगे बढ़ेंगे, बहुमत के साथ, अकेले एक दल की नहीं सुनी जाएगी, ना ही उसकी मनमानी चलेगी, दोनों दलों में से बहुमत हासिल करना होगा। क्लियर आपको? दूसरा, सांसद जितने भी होंगे सांसदों का बहुमत होगा, उसी के आधार पर कोई कानून बनेगा, उसी पर निर्णय लिया जाएगा। फिर राज्य सरकार को दूसरा स्टेप क्या उठाया गया, राज्य सरकार को अधिक शक्तियां दे दी गई, किससे लेकर, केंद्र सरकार से। देखो केंद्र सरकार हर देश में होती है, भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, तो केंद्र सरकार एक सर्वोच्च प्रभु सत्ता वाली सरकार होती है, सारी शक्तियां उसके पास होती है, उससे शक्तियां लेकर क्षेत्रीय सरकारों, जो क्षेत्रों के हिसाब से सरकारें बांटी जाती है उनको राज्य सरकार भी बोलते हैं, उनको दे दी गई, और फिर उनको केंद्र सरकार के अधीन काम करना पड़ेगा, लेकिन शक्तियां उनको अलग से मिली, जिसके अनुसार वो फ्री होकर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे, और केंद्र से राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने अलग अलग उनके महत्व बांट दिए गए, उनके विभागों के कार्य बांट दिए गए। इस तरह से केंद्र सरकार की सत्ता को कम करके राज्य सरकार की सत्ता को, ताकत को बढ़ावा दिया गया। क्लियर इतना? तीसरा टॉपिक जो है सामुदायिक सरकार का गठन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सारे जो झगड़े की जड़ थी उसको इसी सरकार के द्वारा सुलझाया गया। ये नया तीसरा मेथड निकला था, जिसे हम वहां के एक स्थानीय लेवल की सरकार को बोल सकते हैं, सामुदायिक सरकार, यानी समुदायों के आधार पर, समूहों के आधार पर, दो समुदाय डच भाषी और फ्रेंच भाषी, तो उन्हीं के आधार पर तीसरी सरकार का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया सामुदायिक सरकार। और देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, इसलिए इस पर फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, ये 5 नंबर में है, 3 नंबर में है, आपको इस पर ध्यान देना है। इस बेल्जियम से जितने भी संबंधित कानून बने वो सब यहाँ से आप क्लियर होते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, सामुदायिक सरकार क्या थी, एक ऐसी सरकार का गठन जो तीसरी सरकार की सर बनी, तीसरे स्तर की, पहले केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, और तीसरी कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। आपको ध्यान रखना, अगर पूछ रहे नई सरकार बेल्जियम में कौन सी बनी, तो सामुदायिक सरकार तीसरी स्तर की सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार, राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित, और स्थानीय सरकार ये इसको कुछ नए अलग काम दिए गए, अलग मुद्दे दिए गए जिनको ये सुलझा दी। इसको क्या अधिकार दिया गया, भाषा का, संस्कृति का और शिक्षा। देखो मेन मुद्दा लड़ाई का क्या था, भाषा, तो भाषा के लिए ही इसको सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। इसको भाषा के साथ साथ संस्कृति की, संस्कृति पे कल्चर पे सभ्यता लड़ाई ना हो वो भी इसको दे दिया गया, और उसके बाद शिक्षा। देखो तीनों दोनों मुद्दे वही उठाए गए जिसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, कौन सा, आर्थिक विकास। वो कैसे होगा, जब समान रखा जाएगा, समानता का भाव आएगा, जैसे कि आप भाषा पे देखो, सभी को भाषा
को हटा दो, भाषा के आधार पर या बहुसंख्या के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो। इस सरकार को, सामुदायिक सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो भाषा संबंधी किसी भी मसले को सुलझाए, किसी भी मसले की सुनवाई करे। इसी तरह से संस्कृति, इसी तरह से शिक्षा, ये तीन मसलों से संबंधित जो मुद्दे थे वो सामुदायिक सरकार के अधिकार में आ गए। क्षेत्रीय अंतर तथा सामाजिक विविधता इससे दूर हुई। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक जो सामुदायिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या थी कि चुनाव इस जब भी होंगे तो एक भाषा को बोलने वाले लोग ही करेंगे, चाहे वो देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहते हो। सामुदायिक सरकार का जब गठन हुआ तो इसका चुनाव एक भाषा के बोलने वाले लोग ही करेंगे, मतलब जब भी चुनाव होंगे तो एक भाषी लोग का बहुमत ही अमल में रखेगा। क्लियर है इतना आपको? अब इसके बाद इससे फायदा क्या होगा, क्या प्रभाव पड़े? तो देखो, क्षेत्रीय अंतर तथा सामाजिक विविधता को दूर किया इसमें। जो भी क्षेत्र संबंधी अंतर था, ब्रुसेल्स में किस तरह के बहुसंख्यक लोग हैं, यहाँ पे डच भाषी ज्यादा है, कम है, इस तरह के इसने क्षेत्रीय अंतर को, जो क्षेत्रों के आधार पर अंतर था उसको खत्म किया। सामाजिक भावनाओं को, जो नागरिकों की भावनाएं थी, उनके हित थे, उनके सम्मान को ध्यान में रखा, और देश में इस सरकार के गठन के पश्चात गृह युद्ध जैसी स्थिति टल गई। गृह युद्ध की संभावनाएं बिल्कुल पूरी पूरी बन गई थी, आधे से ज्यादा देशवासी छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे, उस स्थिति को टाला गया और उसके बाद देश में शांति का एकता का माहौल बना। तो इस से अब हम ही कह सकते हैं कि बेल्जियम की जो सरकार थी इसने सामुदायिक सरकार का गठन करके बहुत बेहतर निर्णय लिया, अपने देश के नागरिकों के आत्म सम्मान की रक्षा की, शांति की स्थापना की, एकता को बढ़ावा दिया और नागरिकों को सबसे ज्यादा आत्म सम्मान की अनुभूति हुई कि हमारे यहाँ पर सुनवाई हुई, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमसे कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस तरह से आज आपका ये टॉपिक कि तनाव का मूल कारण क्या था, कौन कौन सा कारण था, आर्थिक असमानता, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, फिर इसमें जिन मंत्रियों ने आर्थिक विकास बाद में सिर्फ इन्होंने आपस में पहले आर्थिक विकास के लिए, फिर शिक्षा के लिए डच भाषियों ने अपने आवाज उठाई, उसके बाद बहुसंख्यक सरकार का गठन किया गया। बहुसंख्यक सरकार का गठन क्यों किया गया, क्योंकि राजधानी में जहां राजधानी थी वहां पर अल्पसंख्यक रहे, पूरे देश में बहुसंख्यक सरकार बन गई और राजधानी ब्रुसेल्स बनी, राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यकों की सरकार बनी और सामुदायिक सरकार एक ऐसे तीन मुद्दों को लेकर, शिक्षा, भाषा और संस्कृति को लेकर बनी। फिर इस सरकार का गठन कैसे हुआ, और एक क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है कि बेल्जियम के मॉडल का विवरण प्रस्तुत करें, तो आप यहाँ पर सामुदायिक सरकार वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि वही मॉडल है किस तरह से उन्होंने अपनी जातीय संरचना की समस्या को हल किया। ठीक है, जिन जिन संघर्ष, जिन जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते थे। उसके पश्चात हम आते हैं समान प्रतिनिधित्व पर। दोनों सरकारों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, देश में अलग सरकार है, लेकिन दोनों को समान शक्तियां, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब हमारे आपका ये बेल्जियम वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है। यहां से आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप फोन करके या व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे तो मेरे को लगता है क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम आते हैं इसी की तरह एक दूसरे देश का एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका। तमिलनाडु से दूर एशिया का एक छोटा सा देश है, ये देखिए, ये श्रीलंका है। ठीक है, तमिलनाडु से दूर, यहाँ पर तमिलनाडु है, इसके तट से दूर, और यहाँ क्या है, हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आपको ध्यान रखना, मैंने श्रीलंका के बारे में बताया, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु की तट से दूर है। ठीक है, अब करीब यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और जनसंख्या का निरंतर घटती जाती है, कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो तो हो सकता है, 2 करोड़ के आसपास, इसीलिए बोला मैंने कि उसमें लगभग सभी आ जाते हैं। इसमें धर्म को मानने वाले बौद्ध, ईसाई, हिंदू धर्म के भाषी लोग हैं,
जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, या ईसाई धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं श्रीलंका में। भाषा दो तरह की है, सिंगली और तमिल। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ बेल्जियम में भी भाषाई विवाद था और वहां भी भाषा को लेकर ही विवाद था। वहां पर सिंगलियों का प्रभुत्व था, यहाँ बहुसंख्यकों का। यहाँ बहुसंख्या में कौन से लोग रहते थे? इसका डच। लेकिन ये शक्तिशाली कम थे, इसलिए चलती किसकी थी? फ्रेंच भाषी की। लेकिन यहाँ पर भाषा सिंगली थी और सिंगलियों का ही प्रभुत्व था, सिंगलियों की ही सरकार मानती थी। सिंगली भाष तमिलों को तो दरकिनार कर दिया गया था। दरकिनार का मतलब होता है एक तरफ, किनारे की तरफ धकेल देना, उनकी किसी भी बात में सहमति नहीं लेना, इग्नोर कर देना, ना पूछा जाना। सिंगलियों की संख्या देश में 74% थी, तमिल 18% थे, जो श्रीलंका के उत्तर तथा पूर्वी हिस्सों में रहते थे। आपको उसका संरचना बतानी है, जातीय संरचना, जो उसका जातीय ढांचा था कि किस किस जाति के कैसे कैसे लोग। जातीय संरचना, जातीय बनावट का मतलब यही होता है कि उस देश में किस किस जाति के लोग कितनी परसेंट है। तो सिंगली संख्या 74% थी, तमिलों की संख्या 18% थी, जो श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में रहते थे, और अन्य 7% ईसाई थे। ठीक, 1% बचा, उसमें अन्य जितने भी थे, 1% में आप अन्य लगा सकते हो, और यहाँ पर 7% में आपके ये आ जाते हैं ईसाई। ठीक है, ये लोग थे। दो तमिलों के दो उपसमूह थे, दो तरह के थे। ये ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि तमिलों में भारतीय मूल तमिल किसे कहते हैं, या श्रीलंकाई तमिल कौन थे, हिंदुस्तानी तमिल कौन से हैं। तो देखो, यहाँ दो समूह है, देश के मूल निवासी जो बिल्कुल श्रीलंका में रहते हैं, वही पैदा हुए हैं, उनको श्रीलंकाई तमिल कहते हैं या मूल तमिल कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का, मूल तमिल जो वहां के मूल निवासी, जिनकी पैदाइश वहीं की है, वहीं रहते हैं, जिनके पूर्व। और 5% भारतीय मूल तमिल थे, जो भारत से श्रीलंका के बागों में काम करने के लिए जिन मजदूरों को लेके गए, जिनको रखा गया वहां, अपने देश से कई लोग जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। तो ये मजदूर तबका था जो वहां पर खेतों में बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था, 5% जिनको भारतीय मूल तमिल बोला जाता है या हिंदुस्तानी तमिल। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, है ये सारे तमिल, लेकिन इनको दो उपसमूहों में, दो श्रेणियों में बांट दिया गया। सिंगली बौद्ध धर्म को मानते थे, और जो तमिल है ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानते थे। ठीक है, आप दोबारा से एक बार देख लो कि तमिलनाडु के तब से दूर हिंद महासागर में श्रीलंका एक देश है, 2 करोड़ से आसपास इसकी जनसंख्या है। इसमें सभी धर्मों के बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन इसमें सिंगलियों का प्रभुत्व तो है। क्यों? क्योंकि ये संख्या में बहुसंख्यक है, 74% है, 18% तमिल है, और तमिलों के दो उपसमूह हैं, एक भारतीय मूल तमिल, एक श्रीलंकाई मूल तमिल, और एक हिंदुस्तानी तमिल या भारतीय मूल तमिल। उसके पश्चात 1% अन्य जो मिले जुले हैं, किसी भी जाति के रह सकते हैं। और सिंगलियों को धर्म है बौद्ध, तमिलों का धर्म है हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, को किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा कल टॉपिक श्रीलंका के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आगे पढ़ना होगा, और दोनों का कंपैरिजन, किस बेल्जियम में किस तरह से समस्या को सुलझाया गया। देखो, हमने देखा समुदाय सरकार का गठन एक समस्या को, सब समस्याओं का निदान हो गया था। यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी या टली, आगे हम इस टॉपिक को कल बढ़ाएंगे, आज इतना ही काफी है। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसको लिख लेना है, डेली याद करना है, आपका रोज काम जितना भी भेजा जाता है, समझा जाता है, उसको खुद आपने भी उतनी ही मेहनत करनी, ज्यादा देर नहीं लगती आपको, कम से कम 25-30 मिनट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, बस इतने में आपको ये जितना समझा जाता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो बार बार वीडियो को सुनिए, क्वेश्चनों को देखिए, आपको याद होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। टाइम हाथ से सरकता जा रहा है, जितना पढ़ोगे उतना आपके काम आएगा। देखिए, आपकी मेहनत स्कूल खुलने के बाद सोचिए कि आपने क्या पढ़ा। वैसे मैं भी चीज में आपके ऑनलाइन टेस्ट हुई, उससे समझ आ जाएगा कितने बच्चे घर पे ध्यान दे रहे हैं, सबकी गलतियां पकड़ में आ जाएगी, कौन मस्ती मार रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इसको उतार लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।
स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी थी कि कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि आपकी पढ़ाई का ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए कुछ टॉपिक आपके लेसन से कम कर दिए गए ताकि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो और उसी में से आपके एग्जाम हो। तो जो भी डिडक्ट हुए हैं, डिलीट हुए आपके चैप्टर, वो मैं आपको उसकी जो या तो आप CBSE की वेबसाइट खोल कर देख लीजिए, अदरवाइज मैं आपके इस पे गूगल पर डाल दूंगी SST का सिलेबस। ठीक है, आपको उन चैप्टर को करना है और कुछ चैप्टर तो ये तो न्यूज भी कल आया है, उससे पहले मैं ये तो करवा चुकी हूँ, तो जो पढ़ ले वो ठीक है, उनमें से बेसिक्स तो आपको आने चाहिए, लेकिन अब आगे हम वही करेंगे जो हमें आगे से गाइडलाइन मिली है। ठीक है, आप सारे चैप्टर्स करने की बजाय CBSE ने कुछ चैप्टरों को सिलेक्ट कर दिया है, हम उन्हीं को रीड करेंगे, उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं पर फोकस डालेंगे। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी आपके पास आज कल में, उस आप सिलेबस को देख लेना, कहीं नोट करके रख लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके।